हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीमेल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आपके दिल से निकलेगा वाओ। तो क्या है वो दोनों टिप्स एंड ट्रिक्स, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है शिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम सबसे पहले जीमेल के टिप्स के बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टिप्स है वो है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अगर मेल भेजना चाह रहे हो और साथ ही साथ आप ये चाह रहे हो, आप जिस किसी पर्सन को मेल भेज रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद उस जो मेल है उनके इनबॉक्स से गायब हो जाए, तो आप उसे कैसे कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कैसे कर सकते हो। उसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने मेल में जाइए, जैसे कि रेगुलरली आप मेल भेजते हो वैसे ही सेम स्टेप है, अपने मेल में जाके कॉम्पोज में क्लिक कीजिए। कॉम्पोज में क्लिक करने के बाद आप जिस किसी पर्सन को मेल भेजना चाह रहे हो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे कि एंटर करने के बाद आप एक सब्जेक्ट चूज कीजिए, जो कुछ भी हो सब्जेक्ट एक चूज कीजिए। उसके बाद आप क्या भेजना चाह रहे हो उस पर्सन को यहाँ पे एंटर कीजिए। मैसेज वेलकम, उसके बाद आप सेंड के बटन पे ना क्लिक करके वहाँ पे आपको एक लॉक का आइकन शो हो रहा होगा। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है टर्म कॉन्फिडेंशियल मोड, ये है फ्रेंड्स जो टी, आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आगे ये वाला एक विंडो शो होगा जो कि आपके आगे कॉन्फिडेंशियल मोड करके शो होगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है जो भी आप मेल भेज रहे हो उस पर्सन को, वो पर्सन ना उसको कॉपी कर सकता है, ना उसको फॉरवर्ड कर सकता है, ना उसको डिलीट कर सकता है। तो ये है फ्रेंड्स एडवांटेजेस इस कॉन्फिडेंशियल मोड का। तो आप यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी सेट कर सकते हो। मैं एक दिन, एक तो जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद उसका इनबॉक्स गायब हो जाएगा, मैं एक दिन रख रहा हूँ। उसके बाद आप और एक इसका एडवांटेजेस से आप उसमें एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हो ताकि जब भी वो पर्सन आपका मेल पढ़ने के लिए जाए उसको एक पासवर्ड एंटर करना पड़े। उसके लिए आप SMS पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप सिंपली सेंड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आएगा एक कन्फर्म फोन नंबर, आप जिस किसी पर्सन को आप जो मेल भेज रहे हो उसका एक फोन नंबर एंटर करो ताकि गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड उसको आ सके। उसके लिए मैं एंटर कर रहा हूँ मेरा नंबर एक, उसके बाद सिंपली सेंड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो मेल है उस पर्सन को चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, सेकेंड स्टेप वो जो पर्सन है कैसे उसको वेरीफाई कर सकता है, अगर आप वो पर्सन हो तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए आप अपने मेल पर जाइए। सो फ्रेंड्स, आप क्या क्या देख सकते हो, ये जो मेल है मैं इस मेल पे अगर क्लिक करता हूँ उसके बाद मुझे वेरीफाई आइडेंटिटी करके एक पॉपअप शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आप जो है आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करो, आइडेंटिटी उसके बाद ही आप मेल को रीड कर सकते हैं। उसके लिए आप सेंड पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको एक गूगल की तरफ से एक कोड आएगा, जिस भी नंबर आप एंटर किए होंगे पहले से उसके ऊपर एक कोड आएगा। जैसे कि मैंने नंबर एंटर किया था तो मैं आपको शो कर रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी आ गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप उसको एंटर कर सकते हो। उसके लिए आप जो पासवर्ड है उसको एंटर कीजिए, जैसे कि 7 9 3 2 8, ये वाला है कोड। अब इससे उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको वो जो मेल है शो होने लगा है। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो मैंने वहाँ पे वेलकम टाइपिंग किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम करके एक लेटर आ गया है। सो ये है फ्रेंड्स पहला टिप्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके डेली लाइफ में। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं सेकेंड जीमेल के टिप्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, सेकेंड जीमेल टिप्स ये है, आप अगर किसी पर्सन को रात के 3 बजे मेल भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रात को 3 बजे अलार्म दे के उठ के उसके बाद मैसेज टाइपिंग करके उसके बाद मेल सेंड करोगे, नहीं। उसके लिए जीमेल में एक फीचर है जो कि स्केड्यूल का फीचर है। आपको जिस किसी भी पर्सन को मेल भेजना है आप पहले से ही 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जिस किसी भी दिन मेल टाइपिंग करो और स्केड्यूल पे रख के सेंड कर दो। उसके बाद वो जो मेल है
पर्टिकुलर डेज में पर्टिकुलर टाइम में उस पर्सन को सेंड हो जाएगा। आप वो कैसा कर सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए आप सिंपली कंपोज में जाइए, आप जिस किसी पर्सन को मेल भेजना चाह रहे हो उसका मेल आईडी एंटर कीजिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट एंटर कीजिए, उसके बाद जो कुछ भी मेल उसको भेजना चाहते हो, जो कुछ भी बोलना चाहते हो वहाँ पे एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, और भी जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंड के पास में आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू शो हो रहा होगा जो कि मोर सेंड ऑप्शन, उसके क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको शो हो रहा होगा स्केड्यूल सेंड, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप अगर उसके ऊपर क्लिक करते हो आपके आगे एक स्केड्यूल सेंड का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो लिखा है पिक डेट एंड टाइम, उसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप पर्टिकुलर डेज और पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हो। उसके बाद आप उस पर्सन को सेंड कर सकते हो। मैं अगर 14 को चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ये टाइम रहने देता हूँ। उसके बाद स्केड्यूल सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये जो मेल है वो मेरा, मैं आपको शो कर रहा हूँ स्केड्यूल दिखाता हूँ, जो मेल है मेरा स्केड्यूल पे चला गया है, वो मैं जो मेल है वो पर्टिकुलर सेम डे पे और सेम टाइम पे उस पर्सन को सेंड हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स दो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि जीमेल में आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके डेली लाइफ में। सो ये है फ्रेंड्स दो टिप्स एंड ट्रिक्स जीमेल में। तो आपको कैसा लगा वो दो टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको ये टिप्स पता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।